सबका साथ सबका विकास करने वाले सिर्फ इन्होंने अपने गुजरातियों का साथ दिया, अपने दोस्तों का साथ दिया। ये अंबानी कौन है गुजराती है, अडानी कौन है गुजराती है, नीरव मोदी कौन है गुजराती है, सारे गुजरात आप लिस्ट निकालिए, कितने गुजरातियों ने बैंकों को धोखा दिया, कितने गुजरातियों ने बैंकों को धोखा दिया, गुजरातियों का साथ दिए और कई लोगों को यहाँ से फरार करा दिया गया। किस बात का डेवलपमेंट बीजेपी ने किया? बीजेपी ने कोई डेवलपमेंट नहीं किया। हैदराबाद में अचानक मौसम बदल गया, लगातार बारिश होने लगी, लेकिन AIMIM का चुनावी प्रचार नहीं रुका। AIMIM के चारमीनार के विधायक जुल्फिकार अली चारमीनार निर्वाचन क्षेत्र के अधिकतर क्षेत्रों में घर घर जाकर ओवैसी के लिए वोट मांगे। वहीं शाम के समय भी विधायक जुल्फिकार अली अधिकतर क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चलाते हुए दीन ओवैसी को वोट देने के लिए जनता से अनुरोध कर रहे थे, तो उस समय अचानक बारिश शुरू हो गई। इसी बारिश में चारमीनार विधानसभा के खिलवत क्षेत्र में चुनावी मंच सजा। इस मंच पर AIMIM के चारमीनार के विधायक जुल्फिकार अली उपस्थित थे। AIMIM के MLC मिर्जा रियाजुल हसन अफंदी एवं AIMIM के नुमाइंदा नगर सेवक साहिल अकबर और AIMIM के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी इस मंच पर उपस्थित थे। मंच सजने के बाद बारिश बेहद ही तेज हो गई थी। वहां मौजूद साउंड सिस्टम वाले ने आपत्ति जताई और इस सभा को रोकने के लिए विधायक जुल्फिकार अली से अनुरोध किया, क्योंकि तेज बारिश होने के कारण साउंड सिस्टम खराब होने की आशंका जताई जा रही थी। विधायक ने तुरंत ही साउंड सिस्टम को सुरक्षित जगह रखने के लिए निर्देश दिया। इस जनसभा को समाप्त नहीं किया। इस मंच पर सभी उपस्थित AIMIM के नेताओं ने तेज बारिश के बीच ही अपना अपना भाषण दिया। कपड़े गीले हो गए, लेकिन किसी भी AIMIM के नेता ने यह चिंता नहीं जताई कि बारिश तेज हो रही है। सभी यही कह रहे थे ओवैसी जीत रहे हैं, लेकिन इतिहास रचना उद्देश्य है, इसलिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है जनता पर। जनता भी ओवैसी को भारी बहुमत से जिताकर लोकसभा पहुंचा देंगी। विधायक जुल्फिकार अली तेज बारिश के बीच ही अपना भाषण दिए। विधायक ने कहा, जहां प्रेम है सर्वोपरि, ऐसा मेरा देश है। विधायक ने कहा, बीजेपी को हर आरोप का मुंहतोड़ जवाब देना है अपने वोट की ताकत से। इन्होंने कहा, असदुद्दीन ओवैसी ने सभी वर्गों का ख्याल रखा है, विकास की गति को आगे बढ़ाना है, ओवैसी को ऐतिहासिक जीत दिलाना है। विधायक बोले, असदुद्दीन ओवैसी ने स्कूल से लेकर सड़क तक, अस्पताल से लेकर घर तक जो संभव हो पाया है वो ओवैसी ने कर दिखाया है। ओवैसी ने कभी किसी विशेष धर्म के लिए कार्य नहीं किए। सबका साथ और सबका विकास अगर सही माने में देखना है तो हैदराबाद संसदीय क्षेत्र इसके लिए एक बड़ा उदाहरण है। ओवैसी ने सभी वर्गों का ख्याल रखते हुए सभी वर्गों के लिए कार्य किए हैं। विधायक ये भी बोले, AIMIM पार्टी कभी भी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की। AIMIM पार्टी सबका साथ और सबका विकास और सबका सम्मान किया है। असदुद्दीन ओवैसी अकबरुद्दीन ओवैसी की संकल्प शक्ति का ही कमाल है। आज हैदराबाद में चारों ओर विकास और प्रगति देखने को मिल रही है, इसके कारण ही आज हैदराबाद के गरीबों का जीवन भी बेहतर हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो रहमत बरसाई है आज, जो इस तपती धूप में हम लोगों ने जो मेहनत कर रहे हैं जमात के लिए, आज अल्लाह ताला की रहमत बरसी है और इस रहमत से इंशाअल्लाह ताला कल से मैं समझता हूँ कि धंधा पड़ जाएगा। और आप तमाम को भी मैं सलाम करता हूँ जिन्होंने इतनी ज़ोरदार बारिश के बावजूद मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के जलसे में बैठे रहे। आप यहाँ से नहीं हिले, मैं आपको भी सलाम करता हूँ। किस बात का डेवलपमेंट बीजेपी ने किया? बीजेपी ने कोई डेवलपमेंट नहीं किया। बीजेपी ने हर वक्त मजहब के नाम को इस्तेमाल किया, मजहब को इस्तेमाल किया, मजहब को इस्तेमाल कर आपस में हिंदू और मुसलमानों को इन्होंने लड़ाया। सारे हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों को इन्होंने बढ़ाया, लड़ाकर ये अपनी हुकूमत करना चाहते हैं। कभी लव जहाद के नाम पर,
तो कभी घर वापसी के नाम पर, कभी आर्टिकल 370 के नाम पर, कभी बीफ के नाम पर, कभी हिजाब के नाम पर, यही काम इन्होंने किया। आज भी यही कह रहे हैं, कभी राम मंदिर के नाम पर, कभी ज्ञान वापस के नाम पर, तमाम ये काम यही कह रहे हैं, यही काम इन्होंने किया। इन्होंने इससे हटकर कोई काम नहीं किया। आज हिंदुस्तान में, आज जो हिंदुस्तान का हाल हुआ है, बीजेपी आने के बाद से मोदी ने जो हिंदुस्तान का हाल किया है, हिंदुस्तान का सारा खजाना इन्होंने खाली कर दिया, जो रिजर्व गोल्ड होता है उसको भी इन्होंने रहन रख दिया, जो सोना हुकूमत के पास रिजर्व होता है उसको भी रहन रख दिया। कभी डिमोनेटाइजेशन के नाम पर आपके पैसे को लूट लिया, कभी अपने साथियों को जो लाखों करोड़ों का कर्जा इन्होंने दिया उस कर्जे को इन्हें माफ कर दिया और आपके पैसे को लूट लिया, बैंकों को खाली कर दिया, तमाम नेशनलाइज बैंक को एक बैंक में मर्ज कर दिया। आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तमाम बैंकों को लाकर उसमें मिला दिया। क्यों उन्होंने मिलाया? कि देख रहे थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बंद होने वाला था, इसीलिए इन्होंने तमाम बैंकों को वहां मिलाया, ताकि लोगों को यह महसूस ना हो कि आज हिंदुस्तान का बैंक बंद हो गया, हिंदुस्तान का खजाना खाली हो गया। यह किसकी वजह से हुआ? इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से हुआ। सबका साथ सबका विकास करने वाले, सिर्फ इन्होंने अपने गुजरातियों का साथ दिया, अपने दोस्तों का साथ दिया। ये अंबानी कौन है? गुजराती है। ये अडानी कौन है? गुजराती है। नीरव मोदी कौन है? गुजराती है। सारे गुजरात, आप लिस्ट निकालिए, कितने गुजरातियों ने बैंकों को धोखा दिया, ये गुजरातियों का साथ दिए और कई लोगों को यहाँ से फरार करा दिया गया। डिमोनेटाइजेशन करके कहा कि काला धन में दुनिया से वापस लाऊंगा, स्विट्जरलैंड के बैंकों में जो पैसा है उसको वापस लाऊंगा। पैसा लाना तो दूर की बात है, जो था तो पैसा भी यहाँ से चले गया, जो हमारा पैसा था वो भी चले गया। और आज कहते हैं काला धन वापस लाऊंगा। काला धन लाने के नहीं, बल्कि इन्होंने इतनी रिश्वत खाई हिंदुस्तान को लूट लिया। रिश्वत खाने का नया तरीका इन्होंने निकाला, बड़े बड़े कंपनियों का साथ दिया, तो बड़े बड़े कंपनियों को उन पर ईडी की रेड्स करवाए, उन पर मुकदमे डाले कि CAA के कानून को लागू कर दिया गया। CAA क्या है? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, इस पर लागू कर दिया गया है। इसके लिए जब बीजेपी हुकूमत अगर आएगी दोबारा, तो आपसे पूछा जाएगा, किसी को नोटिस आएगी, पूछा जाएगा आपके दादा का सर्टिफिकेट लाओ, बर्थ सर्टिफिकेट, वालिद का सर्टिफिकेट लाओ, वालदेन का सर्टिफिकेट लाओ। ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि इस इलेक्शन में वोट की अहमियत है, क्योंकि हिंदुस्तान का दस्तूर हमको वोट डालने से कहता है, और ये कहता है कि हिंदुस्तान के शहरी को इख्तियार है कि वो अपनी हुकूमत को चुने, अपने नुमाइंदों को चुने। तो आपके पास किसी का सर्टिफिकेट नहीं रहेगा, कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहेंगे, दस्तावेज नहीं रहेंगे, क्या चीज़ काम में आने वाली है आपके पास? आपके पास आप जो वोट डालेंगे काम में आने वाला है, क्योंकि जो जिस तरह से चाहते हैं कि मुसलमानों को रिफ्यूजी कैंपों में डाल दिया जाएगा, तो खुली जेल रहेगी, आपसे आपका हर चीज़ छीन लिया जाएगा, आपको दूसरे नंबर के शहरी बना देना चाहते हैं। अपने वोट का इस्तेमाल करो। ये वोट खुदा ना खास्ता आपका केस चलेगा, आप बताएंगे कि मैंने अपने वोट का इस्तेमाल किया था इलेक्शन में, मैंने अपने वोट का इस्तेमाल किया था, क्योंकि वोट डालने का अख्तियार शहरी को है। अपने वोट का इस्तेमाल करो, ताकि यही चीज़ आपको बचाने के लिए आने वाली है। आने वाले दिनों में अगर कुछ खुदा ना खास्ता होगा, तो अपने घरों से निकलो, अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करो मेरे भाई। पहले की तरह आप घरों में मत बैठिए, जो पोलिंग परसेंटेज गिरा रहे हैं, हर शख्स को चाहिए ये वोट डालना है, 100% पोलिंग होना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कहा कि आप अपने वोट का इस्तेमाल करो। इसीलिए कहा, कल के दिन कोई केस बढ़ेगा, आप नहीं करेंगे तो कहेंगे हमने अखबारों में इश्तिहार दिया था, हमने अखबारों में ऐलान किया था वोट डालो, आपने नहीं डाला। गाफिल का साथ खुदा भी नहीं देता। घरों से निकल के अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करो। 13 तारीख के दिन अपने घरों से निकल कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का निशान पतंग है, पतंग के निशान पर वोट डालिए, 100% वोट डालिए, नकीब मिल्लत साहब को कामयाब कीजिए। ये आवाज़ हैदराबाद के मुसलमानों की आवाज़ नहीं है, ये आवाज़ हिंदुस्तान के मुसलमानों की आवाज़ है, ये आवाज़ हिंदुस्तान के दलितों की आवाज़ है, ये आवाज़ हिंदुस्तान के आदिवासियों की आवाज़ है, ये आवाज़ हिंदुस्तान के मजलूमों की आवाज़ है, ये आवाज़ हिंदुस्तान के पस्तखवान लोगों की आवाज़ है। इस आवाज़ को हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में घोड़ो,
पार्लियामेंट में लाओ ताकि आवाज पार्लियामेंट में गूंजे और तमाम इन तमाम लोगों के खिलाफ आपके लिए आवाज उठाए। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ, 13 मई के दिन एक एक वोट का इस्तेमाल करो, पतंग सैनिक पतंग के निशान पर बटन डालो, 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे वोट डालो, 100% पोलिंग करो, इस गंदगी को यहाँ से भगाओ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।